हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक्सावजी। गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्सावजी में। दोस्तों, यदि आप SBI कलेक्ट के माध्यम से कॉलेज की फीस यानी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की फीस आप जमा करना चाहते हैं या फिर किसी भी संस्थान की आप फीस जमा करना चाहते हैं, तो गाइज कैसे आप SBI कलेक्ट के माध्यम से आप जमा करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ गाइज। तो गाइज, सबसे पहले आपको SBI आई कलेक्ट आपको सर्च करना है गूगल में। इसको सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद गाइज फर्स्ट जो ऑप्शन आपको दिख रहा है स्टेट बैंक कलेक्ट वाले, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद में गाइज ये पेज इस तरीके से ओपन होगा। यहां पर आपको ये टर्म्स एंड कंडीशंस आपको यहां एग्री करनी है। गाइज ये स्टेट बैंक कलेक्ट वाला पोर्टल है, यहां आपको टर्म्स एंड कंडीशन को आप एग्री करेंगे। उसके बाद आप प्रोसीड पर जाएंगे। प्रोसीड पर जाने के बाद यहाँ स्टेट ऑफ कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन यानी किस स्टेट में आपका इंस्टीट्यूशन है, तो वही स्पेशली मैं आपको बताऊंगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद की फीस आप कैसे जमा करेंगे या फिर किसी भी संस्थान की आप फीस कैसे जमा करेंगे, जो कॉलेज फीस आप कैसे पे करेंगे। फर्स्ट टाइम जिनका स्टूडेंट का नंबर फर्स्ट टाइम आया है तो गाइज कैसे वो कलेक्ट के माध्यम से जमा करेंगे। तो गाइज जो सीट एडमिशन कंफर्मेशन फीस है वो ऑनलाइन अपने पोर्टल से जमा तो कर ही चुके थे, जो जीकब वाली वेबसाइट है, और बाकी फीस जो कॉलेज की है वो कैसे जमा करनी है कॉलेज वाली, जो लगभग 904 रुपये के या 872 रुपये के समथिंग जो फीस है तो कैसे जमा करनी है आपको बता देता हूँ। यहाँ आपको स्टेट आपको अपना सेलेक्ट करना है, उत्तर प्रदेश आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी स्टेट है आपका वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे जिस स्टेट में आपका इंस्टीट्यूशन है। यहाँ टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन कैसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है आप यहां सेलेक्ट करेंगे। गो पर जाएंगे, यहां पर जाने के बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नेम आपको सेलेक्ट करना है गाइस। यहां प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर के लिए आप फीस जमा करना चाहते हैं तो यहां से आप इसको सबमिट कर सकते हैं। और गाइस आप यहां सर्च भी कर सकते हैं जिस भी पॉलिटेक्निक की आप फीस जमा करना चाहते हैं कॉलेज फीस, तो गाइस यहां गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक महिला की आप जमा करना चाहते हैं लखनऊ में है, बदायूं के आप जमा करना चाहते हैं, तो गाइज आप यहां सर्च कर सकते हैं। गाइज इसके बारे में कंफर्मेशन आपको सबसे पहले तो कॉलेज स्टूडेंट्स आपको अपना कॉलेज विजिट करना पड़ेगा, वहां से आपको अपने स्कूल का कॉलेज का आपको अपना अकाउंट आपको पता करना पड़ेगा। वहां जगह जगह पेपर भी लगा दिए जाते हैं कि इतनी फीस आपको पे करनी है और इस अकाउंट में आपको पे करनी है SBI कलेक्ट के माध्यम से, तो गाइज आसानी से आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं कि आपके पास SBI का कार्ड ही हो, जिस भी का भी आपके पास कार्ड हो, जिस बैंक का आपके पास ATM कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, आप उसके द्वारा भी इसकी फी पे कर सकते हैं। नेट बैंकिंग हो या UPI आपका चालू है तो आप उससे भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। लेकिन कैसे करेंगे तो गाइज मैं स्पेशली बताऊंगा। यदि आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद से हैं और उसमें आपका नंबर आया और आप कॉलेज फीस आप पे करना चाहते हैं, जो बाकी एडमिशन फीस कन्फर्मेशन फीस आप जमा कर चुके हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उन्होंने फ्लॉट किया था, फ्लॉट में उन्होंने 3000 रुपये की समथिंग तो ऑनलाइन अपने पोर्टल से जमा कर चुके थे, बाकी कॉलेज की जो फीस है अब वो जमा करना चाहते हैं, तो गाइस कैसे जमा करेंगे। तो गाइस जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद का जो अकाउंट है वो कुछ इस तरीके से है। आपको प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक यानी विदाउट एनी स्पेस करने के बाद में प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इस तरीके से अकाउंट है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद का। गाइस कंफर्म कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा अभी, तो ये वहां का वहां भी लिखा हुआ है कॉलेज में आप देखेंगे तो इसी तरीके से वहां कॉलेज का अकाउंट है बिना स्पेस के साथ लिखा है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद का ये अकाउंट है, इस नाम से है, आप सबमिट करेंगे। तो गाइस सबमिट करने के बाद गाइस कुछ इस तरीके से प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डी ब्लॉक शास्त्री नगर गाजियाबाद का ये अकाउंट दिख जाता है आपको। यहाँ लोगो भी बना हुआ दिखाई दे रहा है गाइस, तो इसका मतलब हम जो पेमेंट है वो सही जगह कर रहे हैं, यानी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद में यदि हम करना चाहते हैं तो ये हमें इस तरीके से सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद का लोगो बना हुआ है, इसका मतलब हम सही जगह पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी गाइज आपको सेलेक्ट करना है, कॉलेज फीस आपको लिखनी है, यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आप आएंगे नेम ऑफ स्टूडेंट, आपको मैनुअली भरना है गाइज, तो यहाँ आप नाम भरेंगे जो भी आपका नाम है अपने लेटर के हिसाब से, एडमिशन लेटर के हिसाब से आप क्लियर आप चीज भरें यहाँ पर स्पेलिंग करेक्ट। उसके बाद ब्रांच, जिस ब्रांच में आपका एडमिशन हुआ है, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल में है तो आपको यहाँ लिखना है, मैकेनिकल में है तो जो भी आपकी ब्रांच है उसको आपने यहाँ लिखना है, यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ईयर ऑफ कोर्स आपको सर्च करना है, लिखना है तो जो ईयर इस वर्ष आप 2021 लिखेंगे, और आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ फिल करना है, यहाँ लिखेंगे। उसके बाद गाइज ऑप्शनल मोबाइल नंबर एक और है, यदि आप चाहें तो एक और लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। अमाउंट गाइज कितनी अमाउंट आपको कॉलेज की फीस जमा करनी है गाइज, इसके बारे में गाइज आपको कॉलेज से पता लगेगी कितनी फीस आपको जमा करनी है। आप कॉलेज यदि आप गाइज आपकी कंप्लीट आप फीस एडमिशन फीस आप जमा कर चुके हैं, जो एडमिशन कन्फर्मेशन सीट थी फीस थी, और उसके बाद गाइज अब इस कॉलेज में आप जाते हैं तो आपको मात्र, यदि आप ग्रुप 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश ले रहे हैं तो आपको लगभग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद की जो वर्ष 2021 की फीस अब जमा हो रही है, जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट अभी एडमिशन हुआ है, तो लगभग उन्हें 936 रुपये करीब उन्हें जमा करनी है। और गाइज आप पहले
कॉलेज से जरूर कंफर्म करें, देखें वहाँ लेटर लगे हुए हैं, पेपर लगे हुए हैं, वहाँ उसको चेक करके तब अपनी फीस पे करें, ध्यान से एक बार देखें। और जैसे मान लीजिए मास कम्युनिकेशन वगैरह स्टूडेंट्स कर रहा है, 2 वर्ष से कोई प्रोग्राम है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को 904 रुपये के समथिंग आपको पे करनी है, यहाँ लिखना है मैनुअली। और यदि कोई स्टूडेंट है 1 वर्ष से कोर्स कर रहा है पीजी डेवलपमेंट वेब डिजाइनिंग, या फिर दूसरा कोई कोर्स कर रहा है 1 वर्ष ये कॉलेज से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद से, तो गाइज 872 रुपये उसे फीस पे करनी है। तो गाइज मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए आप ग्रुप ए के हैं या फिर 3 वर्ष से पाठ्यक्रम में प्रवेश ले रहे हैं, तो गाइज आपको 936 रुपये आपको पे करनी है। गाइज इस फीस को आप पहले एक बार कॉलेज से जरूर कन्फर्म करेंगे कितनी फीस आपको पे करनी है, उसके रिमार्क में चाहें तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आकर के एक बार फिर अपना नाम आपको लिखना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी लिखनी है यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको अपना लिखना है, इसके बाद ईमेल आईडी आपको अपनी, हाँ ईमेल आईडी लिखनी है, ईमेल आईडी लिखनी है यहाँ पर। उसके बाद नीचे कोड आपको फिल करना है, उसके बाद नीचे गए एक बार इसको वेरीफाई करके कि जो आपका नाम है, स्पेलिंग है, जो आपके एडमिशन लेटर है, उसके हिसाब से ही आप अपनी सारी चीज़ें आप यहाँ फिल करें। और उसके बाद जो फीस का है वो गए वो कंफर्म आप करेंगे ही पहले, उसके बाद गए इसके बाद नीचे आकर गए सबमिट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गई आपको यहाँ जो पेमेंट है एक बार फिर से वेरीफाई कर लेना है कितनी पेमेंट आप जमा कर रहे हैं। उसके बाद नीचे आकर गई जिसको कन्फर्म करना है, यानी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद की हम फीस पे करने हैं, तो गए यहाँ कन्फर्म पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइज ये कुछ इस तरीके से जिसके माध्यम से हम पेमेंट करना चाहते हैं, यदि आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो गाइज आपको यहाँ नेट बैंकिंग यदि आप चलाते हैं अगर उसके माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं, यदि स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग आपके पास चालू है तो आपको यहाँ क्लिक करना है, और अदर बैंक की नेट बैंकिंग चालू है तो गाइज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और गाइज यहाँ स्टेट बैंक का एटीएम कार्ड है तो आप यहाँ करना है उसको, आपको सेलेक्ट करना है, कोई चार्जेस आपको यहाँ नहीं लगना, 0 चार्जेस है। और अदर बैंक का कोई डेबिट कार्ड है उसमें भी कोई अदर चार्जेस नहीं है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि दूसरा बैंक का कोई कार्ड है आपके पास SBI का कार्ड नहीं है तो, और क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो क्रेडिट कार्ड से भी आप जमा कर सकते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा टैक्स जाता है, यानी 12-13 रुपये की समथिंग आपकी फीस जाएगी एक्स्ट्रा। और उसके बाद गाइज यहाँ UPI के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं, यदि आपके UPI कोड है, आप चलाते हैं UPI, और तो यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो UPI के माध्यम से ऑटोमेटिकली आप बार कोड स्कैन करके भी आप फी पे कर सकते हैं अपनी। और गाइज यदि आप डेबिट कार्ड है तो गाइज आप डेबिट कार्ड पर यहाँ सेलेक्ट करके उसको जो उसकी निर्धारित फीस है गाइज मैं दिखा देता हूँ SBI के माध्यम से। तो गाइज यहाँ आपका कार्ड नंबर आपको फिल करना है, एक्सपायरी डेट फिल करनी है, कार्ड नेम CVV नंबर डाल करके यहाँ से पे कर दें। उसके बाद में गाइज इसकी जो रिसिप्ट है वो निकल जाती है, और ट्रांजेक्शन आईडी को गाइज पहले आप जरूर इस ट्रांजेक्शन आईडी को नोट जरूर कर लें, क्योंकि गाइज ये ट्रांजेक्शन आईडी ही है, यदि किसी कारणवश यदि आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है तो आसानी से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो गाइज ये कुल मिलाकर जो आपकी रिसिप्ट है वो निकल जाएगी, उसको निकालने के बाद में आपको कॉलेज में जमा करनी है। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो गाइज मेरे चैनल से बने रहिए। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।